कोरोना संक्रमण ने दुनिया और हमारे देश के साथ साथ गाजीपुर को भी बदल रख दिया है। यूपी सरकार ने आज जब अनलॉक एक के तहत होटलों और रेस्टोरेंट को खोला तो गाजीपुर में बदला हुआ नजारा दिखाई दिया। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इससे पहले सैनिटाइजिंग टनल देखा होगा। अभी अपनी स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं वो सैनिटाइजिंग टनल है। वैसे तो टनल सुरंग को कहते हैं, लेकिन यहाँ इसे दरवाजे की तरह देखिए, वैसा दरवाजे जिससे होकर गुजरते ही आप सैनिटाइज हो जाते हैं। ये बदलाव किया है अतिथि ग्रुप ने। अपने होटल और रेस्टोरेंट को कोरोना फ्री बनाने के लिए इन्होंने कई इंतजाम किए हैं। आइए इसके मालिक उदयन सिंह से एक एक करके इन इंतजाम के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं उदयन सिंह, अतिथि होटल ओनर। हमारे यहाँ 24 मार्च से, जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया था, तब से हम लोग ने अपनी सुविधाएं बंद की थी। उसके बाद 8 जून, जो आज का डेट है, गवर्नमेंट ने अपनी जो टर्म्स कंडीशंस रखी थी, जो हमारी सुविधा के लिए और जनता जो सुविधा के लिए, कस्टमर के लिए जो सुविधाएं के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, जैसे सैनिटाइजर मशीन जो हमारे बाहर गेट पर लगी हुई है, सबके मास्क सबके पास है, ग्लव्स हैं, और सैनिटाइजरिंग के लिए हमेशा जब भी कोई भी कस्टमर आएगा हैंड सैनिटाइजर यूज़ करके ही कोई भी सुविधा हमसे लेगा। हमने अपने यहाँ अनिवार्य किया हुआ है, कोई भी गेस्ट जो भी मास्क लगा के आएगा उन्हें ही हम अपनी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। तो सुना आपने, हमने अतिथि होटल और रेस्टोरेंट में अंदर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। सैनिटाइजेशन टनल के अलावा यहाँ के कर्मचारी मास्क पहने नजर आए। रिसेप्शन पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ दिखाई दिया। आइए जानते हैं कि होटल और रेस्टोरेंट में लोगों को बिठाने पर उदयन सिंह क्या कह रहे हैं। ये कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में 50% होंगे। गैदरिंग कहीं भी हम ऐसी नहीं करेंगे जिससे किसी भी तरीके की भ्रामकता फैलने की कोशिश हो, और हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ हैं, और गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाती रहती हम उनके साथ हमेशा पालन करते रहते हैं सर। यानी होटल प्रबंधन अपने यहाँ की कुल क्षमता का आधे का ही इस्तेमाल करने वाला है। जितनी कुर्सियां हैं उसके आधे ही लोग रेस्टोरेंट में बिठाए जाने वाले हैं। आइए उदयन सिंह से जानते हैं कि ग्राहक के होटल में प्रवेश करने पर क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। जब भी कस्टमर हमारे यहाँ कोई भी बाहर से आता है, पहले तो हमारे सैनिटाइजर मशीन से गुजरते हुए, फिर उसके बाद हमारे जो गार्ड हैं वो उन्हें स्कैन करते हैं, जिनका टेम्परेचर सही होने के बावजूद तभी हम अपने होटल में रेस्टोरेंट में एंट्री किसी भी कस्टमर को हम अपने यहाँ दे रहे हैं। नहीं तो हम लोग बिल्कुल आज्ञा अनुसार जो है हम मना कर देते हैं, हम लोग एंट्री नहीं दे पाते। हमारे यहाँ कोई भी जो भी गेस्ट आ रहे हैं, हमारे सैनिटाइजर मशीन से होते हुए हमारे यहाँ एंट्री करते हैं, बाकायदा उनको सैनिटाइजर रूम में प्रोवाइड किया गया है, बाल्टी अलग, नई सारे रूमों में नई बाल्टियाँ, नए सोप, हर एक चीज़ें हम लोगों ने बिल्कुल नई दी हुई है, और हर एक कस्टमर पे हम सोप सैनिटाइजर हर एक चीज़ें चेंज करते रह रहे हैं। हम ये करने की कोशिश पूरी प्रॉपर एक तरीके से की जा रही है। हर एक कस्टमर से हम लोग अपने GRC पे प्रॉपर एक रिटर्न वे में हम भी ले रहे हैं कि कोई कहीं बाहर से ना आया हो। हम उनके आरोग्य सेतु ऐप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये भी हमें पता चल रहा है कि ये बाहर से कौन कस्टमर कितने दिनों से क्वारंटाइन हो गया है या कहीं बाहर से आया है कि नहीं आया है, ये चीज़ें हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अतिथि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी भी होती है। ऐसे में लोगों के दिमाग में सवाल जरूर है कि क्या होम डिलीवरी सुरक्षित है। हमने अतिथि ग्रुप से इसके बारे में भी जानना चाहा। हमारे यहाँ होम डिलीवरी सिस्टम भी हमारे यहाँ चल रहा है, जिससे हमारे होम डिलीवरी बॉय जो भी हैं वो प्रॉपर ग्लव्स और मास्क के साथ हमारी डिलीवरी कर रहे हैं, और जो भी कस्टमर ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा ना हो या कोई भी भ्रामकता ना फैले कि कोई भी हमारे डिलीवरी बॉय किसी भी तरीके की ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाना, जैसे ग्लव्स न लगाना, मास्क न लगाना, तो इस पे हम कड़ाई से बिल्कुल सहर्ष पालन कर रहे हैं अपने यहाँ। तो देखा आपने, प्रशासन ने जैसी व्यवस्थाएं करने को कहा, अतिथि ग्रुप ने अपने होटल और रेस्टोरेंट में वैसी ही व्यवस्था दी है। कोरोना महामारी को हम और आप ऐसे ही मिलजुल कर हराएंगे। सब लोग जब ऐसे ही ख्याल रखेंगे तो हारेगा कोरोना। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए।